सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको मैक्रम के टॉवल हैंगर का एक बहुत ही सुंदर सा डिजाइन बताने जा रही हूँ। इसमें टॉवल को हैंग करना बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगे, जरूर मेरे वीडियोस को आप लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही मुझे कमेंट करना ना भूलें, मुझे फेसबुक पेज पर जरूर फॉलो करें और मेरे यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस डिजाइन को बनाना। फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ऊपर की तरफ 2.5 इंच का एक गोल सा रिंग लिया है और नीचे की तरफ मैंने 8 इंच का गोल सा रिंग लिया है। दो रिंग चाहिए और हमें यहाँ पे 10 से 12 मीटर हमें रेड कलर का मैक्रम चाहिए और 20 से 25 मीटर का हमको यहाँ पे व्हाइट कलर का मैक्रम चाहिए। यहाँ 42 पीस ब्लू कलर का बीड्स यूज हुआ है, 42 पीस, और 4 पीस पिंक कलर का बीड्स मैंने यहाँ यूज किया है और 2 बेल्स चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस डिजाइन को बनाना। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे एक 2.5 इंच का गोल सा रिंग लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 2.5 इंच के रिंग में हम यहाँ पे 10 पीस कॉर्ड अटैच करेंगे, जिसमें हम यहाँ पे 6 पीस व्हाइट कलर का और 4 पीस रेड कलर का कॉर्ड अटैच करेंगे और सारे कॉर्ड को मैंने यहाँ पे लिया है। तो प्रत्येक कॉर्ड 2-2 मीटर में कट रहेगा, 3 कॉर्ड इधर, 4 कॉर्ड यहाँ रेड और 3 कॉर्ड इस तरफ व्हाइट कलर का अटैच होगा। अब यहाँ पे हम सिंपल सा डिज़ाइन बनाएंगे, जो हम रेगुलर जो हमारा डिज़ाइन रहता है, बीच का कॉर्ड लेंगे और इसमें एक मोती लगा लेते हैं। दोनों कॉर्ड को इस तरफ लेंगे और तिरछे में पाइपिंग कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे फिर से ऊपर का एक कॉर्ड लेंगे और एक तरफ के सारे कॉर्ड को पाइपिंग कर लेते हैं। इस तरफ के भी कॉर्ड को सेम हम ऐसे ही पाइपिंग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब 2 लाइन बन गया है। अब यहाँ बीच में हम डिज़ाइन बनाएंगे, तो इसके लिए हम ये वाला आगे का पोर्शन हो जाएगा और इसको हम पलट लेंगे, इसको हम पीछे की तरफ ले आएंगे। क्रॉस पाइपिंग करेंगे, जो हम क्रॉस पाइपिंग एक कॉर्ड इधर का लेके और एक कॉर्ड इधर का लेके करते हैं। का 2 कॉर्ड लेंगे और इसको सेम ऐसे ही इस तरह से पाइपिंग कर लेंगे।
अब इसको हम फ्रंट साइड ले आते हैं। फ्रंट साइड ये इस तरह का डिज़ाइन होगा। अब ये फ्रंट साइड का डिज़ाइन हो गया है। अब यहाँ दो कॉर्ड है, तो दो कॉर्ड से जैसा हमने ऊपर पाइपिंग किया था सेम ऐसे ही हम पाइपिंग कर लेंगे। इधर भी हम सेम ऐसा ही बना लेंगे, दोनों लाइन को ऐसा ही तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे बीच के दो कॉर्ड में हम यहाँ एक मोती लगा लेंगे। और पहले हम एक तरफ के कॉर्ड पे वर्क कर लेते हैं। नीचे का एक कॉर्ड लेंगे, इसके ऊपर फर्स्ट नंबर के कॉर्ड को पाइपिंग कर लेंगे। फिर ये दोनों कॉर्ड लेंगे, इसके ऊपर थर्ड नंबर के कॉर्ड को पाइपिंग कर लेंगे। पूरा कॉर्ड को हम इकट्ठा करते चलना है। फिर ये तीनों कॉर्ड लेंगे, इसके ऊपर हम ये ऊपर का जो हमने कॉर्ड पाइपिंग किया था उसको हम इस तरफ निकाल लेंगे कॉर्ड को। अभी हम रेड वाला ही एक कॉर्ड, यहाँ पे दो कॉर्ड था, प्रोसेस हम इधर भी कर लेते हैं। इधर भी हम सेम ऐसा ही करेंगे, कॉर्ड को ले जाएंगे और इस तरह से घुमा करके ऐसा ही डिजाइन यहाँ भी बना के तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे ये ऐसा डिजाइन हो गया है दोनों तरफ। अब यहाँ पे हम ये वाले कॉर्ड में और ये वाले कॉर्ड में एक एक मोती लगा लेंगे इस तरह से, और इसी मोती को दोनों लेकर के अब हम बीच में मोती लगा लेंगे, तो तीन मोती यहाँ लगेगा। और इसको हम बांध देते हैं, इसको हम बाद में इस पर वर्क करेंगे, तो इसको हम इस तरह से फिलहाल के लिए गांठ लगा देते हैं ताकि ये सेटिंग पे रहे। अब हम यहाँ नीचे से एक कॉर्ड लेंगे और इस तरह का डिजाइन बनाएंगे। ये अभी आगे और कंटिन्यू होगा।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहाँ पे दो दो कॉलम बनाया है, सेम ऐसे ही कॉलम हम आगे और बढ़ा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने दोनों तरफ 1, 2, 3, 4 डिजाइन बना लिया है। अब बीच का जो हमने यहाँ पे गांठ लगाया था, इसको हम खोल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें अब हम यहाँ पे एक मोती था, दो मोती और एक्स्ट्रा अटैच कर लेंगे और दोनों कॉर्ड को इस तरफ से पाइपिंग कर लेंगे। मैंने ये दोनों लाइन पाइपिंग कर लिया है। अब हम इसको बैक साइड ले जाएंगे और बैक साइड जैसे हमने यहाँ पे डिजाइन बनाया था, सेम वैसे डिजाइन हम यहाँ भी बना लेंगे। जाएगा। अब हम फिर से ऊपर की तरह दो, यहाँ हमने दो लाइन बनाया था, सेम ऐसे ही हम यहाँ भी दो लाइन बना लेंगे। मैंने 10-10 टाइम्स ये डिजाइन बना लिया है। अब दोनों के बीच का हम 4 कॉर्ड लेंगे। पे 8 इंच का या 6 इंच का आप गोल सर्डिंग ले, बीच के 4 कॉर्ड को हम उस पर पाइपिंग कर लेते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे दो कलर का कॉर्ड लेंगे, रेड एंड व्हाइट, 1 से 1.5 मीटर। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये मैक्रम का टॉवल हैंगर बना करके तैयार किया है। बहुत इजी, बहुत सुंदर सा डिज़ाइन है। आप इस डिज़ाइन को जरूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगे, जरूर मेरे वीडियोस को आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही मुझे कमेंट करना ना भूलें और मुझे फेसबुक पे भी जरूर फॉलो करें और मेरे यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे। टेक केयर एंड बाय बाय।